अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको परफेक्ट मनी का अकाउंट बनाने का तरीकाकार बताऊंगा जो बहुत ही आसान है और सिंपल है, और ये भी बताऊंगा कैसे आप कैश मार के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे जो है स्टॉक्स जो ऑनलाइन कंपनी है जहाँ पे ऑनलाइन जॉब आप कर रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, stocksons.com के नाम से जो कंपनी है जिसपे जो है आप कैश जो है विड्रॉ वहाँ से ले सकते हैं परफेक्ट मनी से, और वहाँ पे डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। ये सब को जो बातें हैं ये सारे काम मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप मुकम्मल जो है इसका तरीका जान सकें और कैसे ये बनाना है। और इसका वेबसाइट का लिंक कहाँ पर है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, परफेक्ट मनी के नाम से होगा, परफेक्ट मनी आगे लिंक होगा, आगे लिंक दिया गया होगा, आप उस पर क्लिक करना तो आपके सामने परफेक्ट मनी का जो पेज है होम पेज वो ओपन होकर आ जाएगा। अगर वहाँ से पता नहीं चल रहा, आपको कुछ समझ नहीं आ रही क्योंकि काफ़ी लोगों को डिस्क्रिप्शन का नहीं पता होता, तो फिर आपने क्या करना है, आपने मोबाइल या लैपटॉप पे गूगल को ओपन कर लेना और गूगल में आके आपने लिखना है taemi.org। ये लिखेंगे उसके बाद taemi.org लिखाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट पेज आपके सामने शो हो जाएगा बेस्ट ट्रस्टेड 100% ऑनलाइन, जो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ, तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया उसके बाद यहाँ पर पूरी डिटेल इसकी आ जाएगी। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, स्टॉक्स के बारे में बताया गया है, तो इसके लिए जो है परफेक्ट मनी का अकाउंट होना लाजमी है और कैश माल का भी होना ज़रूरी है। तो कैश माल की वीडियो यहाँ पे आ जाएगी कुछ दिन तक और यहाँ पे परफेक्ट मनी की वीडियो भी ऐड हो जाएगी, लेकिन अभी जो है इनके लिंक मौजूद है यहाँ पर। तो ये कैश माल का यहाँ पर लिखा है विजिट वेबसाइट परफेक्ट मनी जो है इसका लिंक दिया है, क्लिक किया परफेक्ट मनी, इस पर हमने क्लिक करना है। तो जैसे इस पर हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये ओपन होकर आ गया होम पेज इसका, ये है जी। इस पर पूरा जो है क्रिएटर अकाउंट का जो है पूरा यहाँ पे फील दी गई है, इनको फिल करना है आपने। फिल कैसे करना है, यहाँ पे आपने अकाउंट नाम देना है, इस तरह का नाम देना है जो मुख्तलिफ वो डिफरेंट हो, जैसा कि मैं अब यहाँ पे देता हूँ टेस्ट आईडी, मैं कहता हूँ टेस्ट आईडी 123। इसी तरह का आपने देना कुछ कि जैसे अगर मेरा नाम तैयब है तो मैं तैयब 88 या 888 या इस तरह का नाम दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दी है टेस्ट 123 कर देता हूँ मैं इसको। तो टेस्ट के लिए यहाँ पे मैं देता हूँ नाम इसका टेस्ट आईडी, तो टेस्ट आईडी हो गया ये। और इसके बाद थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ सिटी, यहाँ पर सिटी में हम जो है इसका नाम देंगे किस शहर से रहने वाले, लाहौर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। और इसी तरह लाहौर, और इसी तरह नीचे है एड्रेस में भी आप पूरा एड्रेस लिख दें या थोड़ा सा लिख दें भी, मैं वैसे एग्जांपल के तौर पर लिखता हूँ स्ट्रीट नंबर 1 लाहौर कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो आप पूरा एड्रेस अगर देना चाहे पूरा दे दें या मुख्तसर सा कोई एड्रेस दे दें यहाँ पे, तो इतना ये अहम नहीं होता। इसके बाद फिर यहाँ पे आपने कंट्री जो है वो चूज़ करनी, यहाँ पे चूज़ कंट्री आपने इसके अंदर पाकिस्तान को ढूंढना है, तो मैं पी वाली लाइन पे आ जाता हूँ। तो ये है जी पी वाली लाइन में हम आए हैं, तो यहाँ पे पी में आके आपने देखना तो पाकिस्तान मिल जाएगा आपको, पाकिस्तान सेलेक्ट किया। और उसके बाद जिप कोड आप यहाँ पे देना है पाकिस्तान के, पंजाब का है, हमारे शहर का जो है होते हैं 63100। तो आपने देख लेना कि अपने गूगल पे जाके जी पोस्टल कोड गूगल का क्या है, गूगल पे जाके देख लेना कि फैसलाबाद का पोस्टल कोड क्या है, अगर आप गुजरांवाला से गुजरांवाला का देख लेना, इस्लामाबाद से है तो इस्लामाबाद का पोस्टल कोड आपने लिख के वो निकाल लेना है, गूगल में जाके सर्च कर लीजिएगा। तो उसके बाद नहीं तो आप ये भी सिंबल देते हैं तो इसका कोई बड़ा मसला नहीं है। इसके बाद ई मेल आपने देनी है, ई मेल जो मैंने बनाई हुई थी वो मैं दूँगा यहाँ पर test.id11122222, और उसके बाद यहाँ पे है @gmail.com। ये देने के बाद जो है मैं इसके बाद आऊँगा थोड़ा सा नीचे और यहाँ पे फ़ोन नंबर ये रहने दें आप इसको, ये भी रहने दें। अब यहाँ पे पासवर्ड देना आपने अपनी मर्ज़ी का, मैं यहाँ पे एग्जांपल तौर पे देता हूँ पासवर्ड, ये दोनों पासवर्ड आपने देने हैं, हमें ऊपर पासवर्ड देना फिर दोबारा नीचे कंफर्म करने के लिए दोबारा रीटाइप करना है पासवर्ड आपने, ये अपनी मर्ज़ी का देना है आपने। उसके बाद नीचे आप देंगे जो है नंबर, जो ये ट्यूरिंग नंबर दिया गया है आपने ये देखना है, ये कैप्चा कोड है वेरिफिकेशन के लिए, तो ये आपने देखना है गौर से, ये है जी 24414। ये देने के बाद उसके बाद आपने ये भी आई एग्री इसके ऊपर जो है क्लिक करना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है।
वो कह रहे जी पासवर्ड जो आपने दिया है वो सही नहीं है, इसमें आपके नंबर्स भी होने चाहिए, अल्फ़ाबेट्स भी हो और पहला अल्फाज बड़ा भी हो, या एक अल्फाज अंदर से बड़ा अल्फ़ाबेट एक बड़ा होना चाहिए। अच्छा जी, बाकी डिटेल पर वैसे लिखिए। मैं यहाँ पे पासवर्ड चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे दूंगा टेस्ट का, मैंने टी बड़ा कर दिया और 1 2 3 कर दिया इसको, और ऐट द रेट कर दिया, क्योंकि इस तरह ये पासवर्ड बन गया ये, ताकि उसके अंदर कोई ये स्पेशल जो है कैरेक्टर भी आ गया, ऐट द रेट या सवाली निशान या कोमा इस तरह का, और उसकी तरह अल्फ़ाबेट्स भी आ गए, उसमें एक बड़ा कैपिटल भी आ गया और नंबर भी आ गया। इस तरह पासवर्ड मैंने वही लिखा, टेस्ट 1 2 3 ऐट द रेट। अब दोबारा यहाँ पे हम कोड देंगे, यहाँ पे अब चेंज होगा 411 2 3 8 2, और फिर आइए मैं एग्री पे हमने क्लिक किया। आप देखते हो क्या कहते हैं जी, ये जी हमारा हो चुका है अकाउंट, और वो उन्होंने ऊपर वेलकम भी कह दिए। अब हमें क्या करना होगा, लॉगिन, ये आ रहा लिखा हुआ लॉगिन, इसको मैं करता हूँ जूम, और ये देखें लॉगिन। लेकिन इससे पहले मुझे मेल भी आएगी जिसमें उन्होंने मुझे एक नंबर दिया होगा, मेंबर आईडी, जो बहुत ही ज़रूरी होता है और बहुत अहम होता है। अब वो जो है कोड मैं आपको, जब आप जिस ईमेल पे आपने ये बनाया, आपको उस ईमेल पे कोड आएगा, मतलब एक कह सकते हैं कि परफेक्ट मनी की तरफ से एक मेल आती है जिसमें लिखा होगा कि आपका जो है इस पर मेम्बर आईडी कोड जो है वो आपने वही आपका यूजर नेम है, वही आपने उसको लॉगिन करने के लिए यूज़ करना है। तो मैं यहाँ से अपनी मेल ओपन करता हूँ कंप्यूटर से, और मैं यहाँ से देखता हूँ जी मेरे पास जो यहाँ पे आ रही है मेंबर आईडी, लिखा होगा योर पर्सनल मेंबर आईडी और आगे नंबर दिया होगा। मेरा यहाँ पे इसमें दिया हुआ है 30 49 319, और पासवर्ड जो था मेरा वही था जो मैंने डाला था, टेस्ट 1 2 3 एट द रेट। और अब यहाँ पे फिर हमें ये ट्यूरिंग नंबर डालना है 30 71 और 78, वो गलत था नंबर जो कैप्चा हमने डाला है। इसमें हमें शायद नंबर हमसे गलत हो रहा है, यहाँ पे मैं एक बार फिर कंफर्म कर लूँ, 3049 319, ठीक है, टेस्ट 1 2 3 एट द रेट 0 4 5 4 7 1। ये जी लग गया, शायद वो नंबर जो था नीचे गलत लग रहा था। तो अब हमें इसमें जो मेन चीज़ है जो देखनी होती है वो सिर्फ यही है कि आपने जो ये डाला हुआ है ना, ये हमने सेंटर वाला, हमें यूएसडी मतलब यूएस डॉलर पे हमें जाना चाहिए, हमें ये बाकी और दोनों चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, सिर्फ सेंटर वाला आपका जो है कोड ये ही लाजमी है। और अगर आप जब आप वो बना रहे होते हैं stocksn.com पे जाके आप जो है बना रहे होते हैं अकाउंट वहाँ पे, तो ये वहाँ पे जाके वो थर्ड नंबर पे नीचे पेमेंट इन्फॉर्मेशन पूछता है, वहाँ पे हमने यही नंबर डालना है सेंटर वाला, और यहीं से डॉलर जो है ट्रांसफ़र होते हैं। अब ये देखें यहाँ पे ये परफेक्ट मनी का अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट बन चुका है। अब हमें कुछ भी यहाँ से कुछ नहीं करना, सिंपल यही है कि हमने ये जो सेंटर वाला जो है ना कॉपी लिंक टेस्ट, मैंने इसको कॉपी कर लिया और ये हमारे पास कॉपी हो गया है नंबर। अब मैं जब कैश मार का कोई अकाउंट बनाऊंगा, अब मैंने ये कैश मार का बनाया था ये मैंने, अब आपने कैश मार का अकाउंट अगर नहीं बनाता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है कि कैश मार का अकाउंट जो है वो कैसे बनाते हैं, तो वहाँ पे आपने जाना कैश मार के अकाउंट में, तो ऐसे आप जब बना लेंगे तो यहाँ पे आपने ना 3 लाइन्स पे क्लिक करना है, विदड्रा पे आना है आपने, विदड्रा मैनेज फंड में आना है, फर्स्ट सेकेंड पे ही है, और यहाँ पे आ रहा है चेंज विदड्रॉ मेथड, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जो है अपना वो चेंज करना है। मैनेज फंड चेंज विदड्रॉ,
वो कह रहे जी आर नोट नो यू कैन नॉट चेंज विदड्रॉ मेथड अंटिल योर पेंडिंग विदड्रॉ नोट कम्प्लीट। वो कह रहा है आप अभी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपकी पेंडिंग मेरी जो है मैंने ये पेमेंट सेंड की थी इस आई डी पे भी देखें पेंडिंग, मतलब मैंने एक और जो था वेस्टर्न यूनियन का वो अकाउंट बनाया हुआ था मैंने वहाँ पे जो है ये पेमेंट यहाँ से सेंड की थी 180 रुपीज़ ये देखें ये तो ये उसका ये था वही नंबर इसका है 161 है और जो हमने जो अब बनाया है उसका है जी 723 ये है नंबर इसका। तो मैंने उस पर चेंज विदड्रा जाके विदड्रा मेथड जो बनाया था तो ये मैंने कैश मार की जो वीडियो मैंने बनाई हुई है उसके अंदर आप जाके देख लेंगे वहाँ पे आपने जो है अपना कैश मार का जो है विदड्रा जब आप विदड्रा मेथड जो है वो सेलेक्ट करेंगे तो चेंज विदड्रा मेथड जो यहाँ पर 3 लाइन्स आ रही हैं यहाँ पर मैनेज फंड में यहाँ पर आ रहा है 4th नंबर पर ये वाला जब आप यहाँ पर आ क्लिक करेंगे तो आपके पास वो आ जाएगा। तो आपने जो है ऊपर पहले नंबर पर है यही नंबर डालना है ये 25678 जो भी है वो आपने डालना है अपना परफेक्ट मनी का और उसके बाद जो है आपने नीचे वो नाम लिखना है जिस जो जिस नाम से आपने परफेक्ट मनी जैसे कि मेरा मैंने बनाया था टेस्ट 123 और या टेस्ट आईडी है बल्कि मैंने टेस्ट 123 के नाम से बनाया था तो वो आपने नाम देना है जिस तरह अगर आपने कोई अपने नाम से बनाया तो आप अपना नाम वो देंगे और नीचे जो है पिन डालेंगे और आप उसके बाद सबमिट हो जाएगा। तो ये वीडियो में मैंने बताया हुआ तरीका कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको। उसके बाद आपने वो सिलेक्ट कर लेना है मेथड सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने आना है उसके बाद यहाँ पे डिपॉजिट पे डिपॉजिट पे आने के बाद आपने परफेक्ट मनी सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो जैसे आप परफेक्ट मनी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपने करने हैं डिपॉजिट नहीं श्योर यहाँ पर आपने आना है निकलवाने हैं। अगर आपने निकलवाना चाह रहे हैं तो आप जो है अगर आप पैसे निकलवाना चाह रहे हैं परफेक्ट मनी से वहाँ से stocksun.com से तो आप ये करेंगे डिपॉजिट में ही आएंगे मैं आपको डिपॉजिट है डिपॉजिट में आएंगे परफेक्ट मनी सेलेक्ट करेंगे और जितने डॉलर आपने निकलवाने हैं वो आप यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। अब मैं यहाँ से यहाँ पे यूएस डॉलर की बात हो रही है तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5 की बात होगी तो मैं 3 डॉलर निकलवाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा तो ये मुझे डायरेक्ट ले जाएगा वेस्टर्न यूनियन पे परफेक्ट मनी भी मुझे ले जाएगा ये सीधा। अब यहाँ पे मैं इसको जो है सिलेक्ट करूँगा तो मेरे वहाँ से जितने भी डॉलर हैं मैं इसको मेक पेमेंट तो ये वही है परफेक्ट मनी हमारा ओपन कर देगा जो हमने अभी बनाया है तो उसको उठा के वो हम वहाँ से इसको अलाउ करेंगे यहाँ से पासवर्ड वगैरह डाल के तो ये सबमिट हो जाएगा उसके बाद हमें जो है वो पैसे वहाँ से निकल आएंगे। इसके अलावा ये इसका सिंपल सा प्रोसीजर है लेकिन अभी जो है वो पेंडिंग में है पेमेंट जिस वजह से मेथड वो नहीं लग पा रहा तो आपने जो है इसी तरह ये यूज़ करना। अब आपका यह है वही नंबर जो है अगर आप जब कैश मार की वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे जब चेंज मेथड मैं कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं एक और नंबर डाल रहा हूँ यू जो मेरा अपने अकाउंट का था। तो अब जो है आपने अपना हम परफेक्ट मनी इस तरह अकाउंट बनाना जिस तरह मैंने इस वीडियो में बताया आपने इस वीडियो को देखिए परफेक्ट मनी अकाउंट बना के वहाँ पे अपना जो है ये वाला नंबर डालना होगा जो मैंने यहाँ पे बताया है ये वाला सेंटर वाला ये यूएस डॉलर का तो ये गोर्स देख लें आप ये नंबर डालेंगे तो आपकी जो पेमेंट इसी में आएगी और यहीं से आप विड्रॉ करवा सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर कोई मसला आ जाए तो पूछ लीजिएगा वीडियो नीचे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम की आईडी पे आके। अल्लाह हाफिज़।